गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम निकिता शर्मा फ्रॉम डीएवी पब्लिक स्कूल सीकर। ओके सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स, कंप्लीट योर चैप्टर सेकंड डेटा स्टोरेज मीडिया। चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है, आज हमें इसकी एक्सरसाइज करनी है। सो लेट्स डू क्वेश्चन नंबर वन। टेक राइट देयर करेक्ट ऑप्शन, टिक राइट द करेक्ट ऑप्शन एंड फिल इट इन द ब्लैंक्स। और आपको जो फिल दिया हुआ है उसमें करेक्ट जो ऑप्शन है वो आपको फिल भी करना है। सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर वन। क्वेश्चन नंबर वन में पूछा है रैम इज ए पार्ट ऑफ कंप्यूटर्स। रैम इज ए पार्ट ऑफ कंप्यूटर्स। फिर फिल है, उसके बाद है मेमोरी एम ई एम ओ आर वाई। अब आपके पास इसमें ऑप्शन है, ऑप्शन ए दे रखा है आपके पास प्राइमरी पी आर आई एम ए आर वाई प्राइमरी। फिर बी ऑप्शन है आपके पास सेकेंडरी S E C O N D A R Y सेकेंडरी मेमोरी। फिर C आपके पास है परमानेंटली, तो देखो P E R M E N P E R M M A N E N T L Y परमानेंटली। अब देखो क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, रैम इज ए पार्ट ऑफ कंप्यूटर्स मेमोरी। रैम है जो कंप्यूटर्स है उसकी कौन सी मेमोरी का पार्ट है, प्राइमरी सेकेंडरी या परमानेंटली। तो किसका है, प्राइमरी मेमोरी का। तो पी आर आई एम ए आर वाई प्राइमरी मेमोरी का पार्ट है। लेट्स क्वेश्चन सेकेंड। क्वेश्चन सेकेंड है There are इसमें आपसे पूछा है कि जो आपकी मेमोरी है वो कितने टाइप्स की होती है। तो There are types of computer memory आपके जो कंप्यूटर की मेमोरी है वो कितने टाइप की है। तो देखो आपके पास ऑप्शन ए में है टू टाइप की है। बी में है आपके पास ऑप्शन थ्री टाइप की है। सी में आपके पास ऑप्शन है फोर या फिर फोर टाइप की है। ओके सो आपको पता है जो मेमोरी है वो कितने टाइप की है, टू टाइप्स की है। थर्ड नंबर देखो, थर्ड नंबर में आपसे पूछा है शॉर्ट फॉर्म ऑफ बाइनरी डिजिट ए। शॉर्ट फॉर्म ऑफ बाइनरी बी आई एन ए आर वाई बाइनरी डिजिट डिजिट इज बाइनरी डिजिट की शॉर्ट फॉर्म पूछी है। तो वो क्या है, सो ऑप्शन ए है बाइट। ऑप्शन बी है बिट। ऑप्शन सी है निबल।
तो इसमें क्या आएगा बी। शॉर्ट फॉर्म क्या है बाइनरी डिजिट की बी। क्वेश्चन नंबर फोर देखो, क्वेश्चन नंबर फोर में आपसे पूछा है इज ए सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी पूछी है तो ऑप्शन ए दिया हुआ है रैम, ऑप्शन बी दिया हुआ है रोम, ऑप्शन सी दिया हुआ है आपके पास पेन ड्राइव। कौन सी मेमोरी पूछी है आपसे सेकेंडरी, तो सेकेंडरी कौन सी है पेन ड्राइव। तो आपको क्या फिल करना है पेन ड्राइव। फिर आपको लास्ट जो आपका है टिक द करेक्ट नंबर 5 वो देखना है, उसमें आपसे पूछा है इज ए वोलेटाइल। वोलेटाइल मेमोरी कौन सी है, वोलेटाइल मेमोरी ऑफ कंप्यूटर, मेमोरी ऑफ कंप्यूटर। अब आपके पास इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं तो ऑप्शन देखिए ए है रैम, बी है रोम, और सी है CDR कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल। अब देखो तीन ऑप्शन है तो रैम ही क्या है वोलेटाइल मेमोरी है, सॉरी रैम ही क्या है वोलेटाइल मेमोरी है। दिस क्वेश्चन इज कंप्लीटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओके, सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर सेकंड है राइट द फुल फॉर्म्स ऑफ द फॉलोइंग। ये आपको जो नीचे दिए हुए हैं उनके आपको फुल फॉर्म लिखनी है। तो सबसे पहले हमारे पास है रैम, रैम की फुल फॉर्म क्या बताई थी रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या फुल फॉर्म बताई थी रैंडम एक्सेस मेमोरी। हमें इसके आगे लिखना है RANDOM रैंडम, फिर लिखना है एक्सेस ACCESS ACCESS, फिर M की लिखनी है मेमोरी MEMORY मेमोरी। फिर देखो रोम ROM रोम, रोम की क्या होगी रीड ओनली मेमोरी। तो यहाँ पे लिखना है हमें READ रीड, ओ की लिखनी है ओनली ONLY, एम की लिखनी है मेमोरी MEMORY मेमोरी। अब आपको थर्ड नंबर पे है PROM, PROM की लिखनी है तो PROM की बताई थी प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, तो P की लिखो प्रोग्रामेबल PROGRA PROGRA। अब देखो MMABLE प्रोग्रामेबल, फिर रोम की तो लिखनी है तो फिर आपको क्या लिखनी है इसके आगे रीड, ओ की क्या लिखोगे ओनली, एम की लिखोगे मेमोरी। हो गया PROM की क्या हो गई प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। फिर लिखनी है EPROM की, EPROM की क्या हो जाएगी EPROM की हो जाएगी इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ERA E की लिखनी है ERASABLE ERASABLE इरेजेबल, P की लिखनी
जी आर ए डबल एम ए बी एल ई प्रोग्रामेबल। फिर रीड, फिर ओ की ओनली और एम की मेमोरी। हो गया। अब देखो आपको देखनी है सी डी डीवीडी एंड बिट। तो सी डी की क्या हो जाएगी, कॉम्पैक्ट डिस्क, सी ओ एम पी ए सी टी डी डी आई एस सी डिस्क। इसकी क्या हो जाएगी, डिजिटल वीडियो डिस्क। क्या हो जाएगी आपकी डीवीडी की, क्या हो जाएगी डिजिटल वीडियो डिस्क, डी आई जी आई टी ए एल डिजिटल वी आई डी ई ओ वीडियो और इसकी हो जाएगी डिस्क। बिट की तो सबको ही पता है फुल फॉर्म क्या होगी, बाइनरी डिजिट। क्या होगी इसकी फुल फॉर्म, बाइनरी डिजिट, तो बी आई एन ए आर वाई बाइनरी डिजिट, डी आई जी आई टी। हो गया, ये सारे आपके फुल फॉर्म कंप्लीट है, क्वेश्चन टू भी कंप्लीट है। रैम की हो गई रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम की हो गई रीड ओनली मेमोरी, पी रोम की हो गई प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ईपी रोम की हो गई इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, सीडी की हो गई कॉम्पैक्ट डिस्क, डीवीडी की हो गई डिजिटल वीडियो डिस्क, बीट की हो गई बाइनरी डिजिट। आई होप आपको ये जो दोनों क्वेश्चंस हैं वो समझ में आ गए होंगे। अगर इनसे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप डीएवी स्कूल के व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हो। थैंक यू।